गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के दौरान, ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो है हम लोग ने पढ़ रखा है, और उसी कंसेप्ट पे आधारित आपको अपना होमवर्क दिया गया था जो आपने बनाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके आपका होमवर्क डिस्कस करते हैं। होमवर्क डिस्कस हम लोग कैसे करते हैं? तो होमवर्क डिस्कस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आपको वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, अगर डाउट होगी तभी वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है। ठीक है, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया तभी वाई टाइप करेंगे, अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया कि आपको डाउट कैसे पूछना है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रश्न वाली 10.2। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, अगर आपको डाउट होगी तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट होगी तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर वन, अगर डाउट होगी तभी वाई टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर टू में डाउट है, चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। तो सभी बच्चों को शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पता होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा शीर्षाभिमुख कोण बता देता हूँ कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ठीक है, जहां तक मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पता होगा शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, मैं फिर भी बताया तुम्हें एक बार। देखिए, जब दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हो गया और दूसरी रेखा ये हो गई, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बनने वाले आमने सामने को, ये वाला जो कोण है, मान लीजिए कोण वन हो गया और ये कोण हो गया आपका कोण टू हो गया, तो इनसे बनने वाले आमने सामने कोण, मतलब कोण वन किसके बराबर हो जाएगा? कोण वन बराबर हो जाएगा आपके कोण टू के। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि मान लीजिए अगर ये कोण थ्री है और ये कोण फोर है तो कोण थ्री किसके बराबर होगा? सभी सभी बच्चे बताएंगे कोण थ्री किसके बराबर होगा? कोण फोर के बराबर होगा। ये कहलाते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। ये क्या कहलाते हैं? आपके शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। बहुत ही सरल है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, उन्हीं को हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो रेखा दिया हुआ, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा आपको ये हो गया। इन दोनों रेखाओं को जब ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो इनसे बनने वाला कौन है? एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो आमने सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कोण पांच किसके बराबर होगा? कोण छह के। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कोण पांच का मान कितना नहीं दिया, कोण पांच मान, कोण छह का मान दिया आपको 83 डिग्री। आपको निकालना है कोण पांच का मान, तो कोण पांच का मान हो जाएगा कोण छह के मान के बराबर 83 डिग्री। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को अगर ये समझ में आ गया चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि कोण फाइव का मान कितना होगा? 83 डिग्री। चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थ्री, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न वाली 11.1, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है, चलिए एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर थ्री में डाउट है, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, बहुत ही सरल प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थ्री, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए यहाँ पे कोण वन का मान दिया है, यहाँ पे कोण वन का मान दिया है 48 डिग्री, ठीक है, और कोण टू का मान दिया है 88 डिग्री। तो आपको और जितने भी कोण हैं उनका मान निकालना है। चलिए ठीक है, हम लोग इनका मान निकालते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और मेरी हेल्प करेंगे, साथ साथ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा शीर्षाभिमुख को, जैसे कि सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण वन के बराबर कौन सा कोण होगा, कोण वन के बराबर कौन सा कोण होगा? सभी बच्चे बताएंगे कोण फोर होगा, और कोण वन का मान कितना है? 48 डिग्री, तो कोण फोर का भी मान कितना होगा? 48 डिग्री।
इसका मतलब इसके सामने कौन सा कोण है, इसके सामने 48 है, तो इसके सामने 4 है, तो कितना होगा, वो होगा 48 डिग्री। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 2 के सामने कौन सा कोण है, कोण 2 के सामने कोण 5, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 88 डिग्री, क्योंकि कोण 2 के मान किसके बराबर होगा, कोण 5 के मान के बराबर। इसका मतलब जो है कोण 2 का मान हो गया 88 डिग्री, तो कोण 5 का भी मान हो जाएगा 88 डिग्री। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सभी बच्चों को समझ में, चलिए चलिए एक प्रश्न और आ रहा है कि तो फिर कोण 3 और कोण 6 का मान क्या है, क्योंकि इन दोनों में से तो किसी का मान दिया ही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि आपको पता है एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो मान लेते हैं, चलिए सरल रेखा बना लेते हैं, देखिए ये हो गया आपका एक सरल रेखा, ये क्या हो गया आपका एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना है, चलिए मैं देख लेता हूँ कितना है, ये आपका 48 डिग्री और ये आपका 88 डिग्री। और सरल रेखा कौन सा है, तो ये आपके जो बीच वाले हैं ये आपकी सरल रेखा है, ये आपकी क्या है, ये सरल रेखा है। और आपको मान निकालना है कोण 3 का, तो क्या करते हैं हम लोग इसी रेखा को यहाँ लिख लेते हैं, हम लोग इसी कोण को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, एक हो गया कोण 48 डिग्री और दूसरा कोण हो गया आपका 88 डिग्री। तो आपको कोण कौन सा मान निकालना है, आपको कोण मान निकालना है, कोण 3 का मान निकालना है, कोण किसका मान निकालना है, 3 का मान निकालना है, ठीक है। तो कोण 3 का मान क्या होगा, जैसे कि मुझे पता है कि एक सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। इनमें से कौन कौन सा कोण दिया है, तो एक दिया 48 डिग्री, एक दिया 88 डिग्री। अब हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है कोण 3 का। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 3 का मान कितना होगा, कोण 3 का मान कितना होगा, तो क्या होगा, 180 में से जो दो कोण दिया है इन दोनों कोणों के योग को हम लोग घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे, क्या होगा, देखिए ये टोटल कितना है, टोटल मिलके 180 डिग्री है, इसमें से ये वाला कोण और ये वाला कोण जब घटा देंगे तो ये बीच वाला कोण हमको मिल जाएगा, क्योंकि टोटल का मान कितना होना चाहिए, टोटल का मान हमको होना चाहिए 180 डिग्री। तो देखते हैं कितना होगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कितना मान होगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे कितना मान होगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कितना मान होगा, 8 8 16 और 8 4 12 1 13 कितना हो गया, 136। जब 180 में से 36 136 जाएगा तो कितना आएगा, 44 डिग्री, बहुत बढ़िया, कितना आएगा 44 डिग्री। यानी कोण 3 का मान कितना होगा, कोण 3 का मान होगा 44 डिग्री। अगर सभी बच्चों को यह समझ में आ गया है, तो सभी बच्चों को अगर यह समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे कोण 3 का मान पता चल गया है, कोण 3 का मान पता चल गया कितना गया, कोण 3 का मान 44 डिग्री। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 3 किसके बराबर है, तो कोण 3 के सामने कौन सा कोण है, कोण 3 के सामने है कोण, बताइए सभी बच्चे, कोण 6। तो जब कोण 3 के मान 44 है तो कोण 6 का भी मान कितना होगा, 44 डिग्री, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था सिरसाभिमुख कोण का, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 11.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए एक बच्चे का डाउट है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, सभी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है नहीं, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, आ रही है सभी बच्चों का आवाज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी आपको आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा तिर्यक रेखा के बारे में बताता हूं,
जहां तक मुझे पता है कि मेरे सारे बच्चों को पता है तिर्यक रेखा, फिर भी मैं क्या करता हूँ आपको रिवाइज करा देता हूँ कि तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि आपके सामने एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, और इस रेखा को कोई एक तीसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है। तो जैसे मान लेते हैं इसका नाम एम है, इसका नाम एन है, और इसका नाम पी है। सुबह धनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, आगे से अगर आप अपना माइक ऑन करते हैं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, जैसे कि मेरे सारे बच्चों को पता है। चलिए आपको अब मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सुबह धनिया नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, क्योंकि अगर एक भी बच्चा माइक ऑन करता है तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। चलिए समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे सभी बच्चे। चलिए क्या है आपके पास, कौन कौन सी रेखा है आपके पास? रेखा एम है, रेखा एन है, और रेखा एक पी है। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि आपके पास यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, तिर्यक रेखा कौन सी है। बहुत बढ़िया, जैसा कि मुझे उम्मीद था सारे बच्चे सही आंसर करेंगे। देखिए तिर्यक रेखा के लिए आपको क्या देखना है कि जो रेखा होनी चाहिए वो कम से कम दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करनी चाहिए। जैसे कि किस किस बिंदु प्रतिच्छेद करिए, तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, मतलब कम से कम दो बिंदु होने चाहिए, कम से कम दो बिंदु, अलग अलग दो बिंदु होने चाहिए, कम से कम। दो से ज्यादा हो सकता है, दो से ज्यादा हो सकता है, दो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो तिर्यक रेखा आपकी कौन सी हुई? पी हो गई। अब कोई बच्चा बोलेगा क्यों तिर्यक रेखा एम हो सकती है? तो तिर्यक रेखा एम नहीं हो सकती है क्योंकि ये एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि ये एक ही बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। उसी प्रकार से एन भी तिर्यक रेखा नहीं होगी क्योंकि ये भी एक ही रेखा, एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। अगर सारे बच्चों को ये तिर्यक रेखा समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा ये 3 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे सभी बच्चे। चलिए ये जो ए रेखा है, सारे के सारे बच्चे देख रहे होंगे कि ये एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या ये तिर्यक रेखा है? अगर ये तिर्यक रेखा है तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर ये तिर्यक रेखा नहीं है तो एन टाइप करेंगे सभी बच्चे। अगर ये तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। चलिए ये तिर्यक रेखा नहीं है, क्यों नहीं है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि तिर्यक रेखा होने के लिए कम से कम दो बिंदु होने जरूरी हैं, कम से कम दो बिंदु होने जरूरी हैं, दो बिंदु मतलब कि दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करना चाहिए, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो ए रेखा के पास एक ही बिंदु है, कितनी बिंदु है? एक ही बिंदु है। ठीक है, यानी ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। उसी प्रकार सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या जे तिर्यक रेखा होगी, जे तिर्यक रेखा होगी, जे तिर्यक रेखा होगी, होगी तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होगी तो एन टाइप कीजिए, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये भी जो है एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे समझ गए हैं। उसी प्रकार से जो ये के रेखा है ये भी तिर्यक रेखा नहीं होगी, यानी ये तिर्यक रेखा इनमें से कोई नहीं है, तिर्यक रेखा नहीं है। अगर सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। हो सकती है कि आपके तरफ नेटवर्क का इश्यू हो जिसके वजह से आपके तरफ आवाज नहीं जा रही होगी, धीरे धीरे आपकी तरफ आवाज जाने लगेंगी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें क्या करते हैं, दो एम दे दिया है तो एक को क्या करते हैं हम लोग, मिसप्रिंट दिया, इसको क्या करते हैं क्यू बना लेते हैं, इसको क्या करते हैं क्यू बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक एक करके सारे बच्चे बताएंगे, एक एक करके सारे बच्चे बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बताते हैं रेखा एन के लिए, सभी बच्चे बताएंगे रेखा एन तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। तिर्यक रेखा है क्यों है? क्योंकि देखिए दो बिंदु प्रतिच्छेद करिए, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, यानी इसका मतलब ये तिर्यक रेखा एन जो है आपकी तिर्यक रेखा
है, यह जो आपकी तिर्यक रेखा है, यानी ये जो है तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि क्यों क्या आपकी तिर्यक रेखा है, क्यों क्या आपकी तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, जैसा कि मुझे उम्मीद था, जैसा कि मुझे उम्मीद था कि आप इस प्रश्न का उत्तर गलत करेंगे, जो आपने गलत किया है। ध्यान देंगे सही बच्चे, ध्यान देंगे सही बच्चे। अगर हम लोग ये एल रेखा को देखेंगे, तो जैसे कि मुझे पता है रेखा क्या होता है, रेखा जो होता है उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर इसको आगे बढ़ाइएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा और इसको भी आगे बढ़ाइएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, कहीं ना कहीं एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा। इसका मतलब ये है कि क्यू रेखा के पास भी दो प्रतिच्छेदी बिंदु है, एक बिंदु ये है, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब अब सारे सारे बच्चे बताएंगे कि क्यू क्या तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे क्या एम तिर्यक रेखा है, एम तिर्यक रेखा हो तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। एम तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। चलिए, तो एम जो है आपकी तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि ये एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये देखिए आगे कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। इसका मतलब जो है एम जो है तिर्यक रेखा नहीं है। उसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे एल तिर्यक रेखा है, एल तिर्यक रेखा है, एल तिर्यक रेखा है, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। एल तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया। अब सभी बच्चे समझ गए हैं, देखिए ये एल जो है तिर्यक रेखा है, क्योंकि ये दो दो बिंदु पे, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, ये दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब जो एल है ये आपकी तिर्यक रेखा है, यानी कौन कौन सी तिर्यक रेखा आपकी हो गई, आपकी तिर्यक रेखा हो गई एन क्यू एल, एन क्यू एल, ठीक है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, नहीं एम को जब आगे बढ़ाए, देखिए एम को जब आगे बढ़ाएंगे, हाँ एम भी तिर्यक रेखा हो सकती है, ठीक ठीक है। एक बच्चा का सही डाउट हुआ, मैं नीचे देख रहा हूँ, हाँ सही, एक बच्चे ने सही आंसर दिया, एम भी आपकी तिर्यक रेखा है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे कि एम जो है आपकी तिर्यक रेखा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एम तिर्यक रेखा कैसी है, चलिए देख लेते हैं कैसे तिर्यक रेखा है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग देखिए नीचे ना बढ़ा के, अगर हम लोग नीचे ना बढ़ा के अगर हम लोग इसको ऊपर बढ़ाएं, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसको हम लोग ऊपर बढ़ाएं, क्योंकि रेखा है, रेखा को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, रेखा को हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, और इस रेखा को भी हम लोग अगर आगे बढ़ाएं तो ये भी जो है दो बिंदु पे, एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु ये हो जाएगा और एक बिंदु ये हो जाएगा, ये भी जो है दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब जो है आपका एम भी जो है तिर्यक रेखा है। अगर यहां तक सही बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, एक बच्चा का डाउट है 5 नंबर, तो देखो 5 नंबर देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर जो है सारे के सारे जो है तिर्यक रेखा है, क्योंकि भी देखिए एल रेखा को देखिए, ये भी आपकी दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, ये भी दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है। एम को देखिए ये भी दो बिंदु को प्रतिच्छेद कर रहा है, एन भी देखिए ये भी दो को, मतलब सारे के सारे जो है, सारे के सारे जो है दो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब जो है सारे के सारे जो रेखा है सबके सब तिर्यक रेखा है। चलिए, यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद वाला जो प्रश्न वाली थी 11.2, 11.2, इसके बाद वाला जो प्रश्न वाली है 11.2, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने से अच्छा है मैं क्या करता हूं, मैंने आपको जो पिछले क्लास में पढ़ाया है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया है उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग दूसरी होमवर्क देने जाएंगे उससे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे समझ लेते हैं, पहले हम लोग पिछली क्लास का जो रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये पिछले क्लास से संबंधित प्रश्न है, इसके वजह से क्या करते हैं हम लोग पिछला क्लास वाला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि सभी को पता है कि मैंने पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था तिर्यक रेखा से निर्मित कोण के भाग 3, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या पढ़ाया था, संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और इसका क्या पढ़ाया था मैं, इसका आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था,
प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, गुण पढ़ाया था, संगत कुर के गुण पढ़ाया था। अगर सभी बच्चों को संगत कुर के गुण समझ में आ गए हैं तो वाई टाइप करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आया तो एन टाइप करेंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, बहुत बच्चों को थोड़ा डाउट होगा, तब तक मैं क्या करता हूँ, सभी बच्चों को एक बार फिर से संगत कुर के जो गुण हुए उनको मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। जो संगत कुर के गुण है मैं उनको अच्छे से बता देता हूँ। चलिए, तो जैसा कि सभी बच्चे ध्यान देंगे मेरी स्क्रीन पे, तो जैसा कि हमें पता है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सभी बच्चों को, बहुत बच्चों को पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, जिन बच्चों को पता है वो भी बच्चे ध्यान से देखेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा बहुत भूल गए वो बच्चे और ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, मैं 1 मिनट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो संगत कुर के गुण में क्या था कि जब दो समांतर रेखा, जैसे कि मान लेते एक समांतर रेखा ये हो गया, एक समांतर रेखा ये हो गया, और दूसरा समांतर रेखा ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ एम और इसको मैं मान लेता हूँ एन। दो समांतर रेखा हो गया, एक रेखा हो गया एम, दूसरा रेखा हो गया एन, मतलब दो समांतर रेखाओं को जब एक कोई तिर्यक रेखा, जैसे मान लेते हैं पी, मतलब कि दो समांतर रेखा, चलिए यहां लिख देता हूँ, चलिए एम समांतर है एन के, जब दो समांतर रेखा को जब कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब रही बात कि संगत कोण कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये हो गया कोण वन, इसको मान लेते हैं कोण टू, इसको मान लेते हैं कोण थ्री, इसको मान लेते हैं हम लोग कोण, इसको हम लोग मान लेते हैं कोण फोर, ठीक है। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोर वन का संगत कोर, कोर वन का क्रोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, कोर वन का क्रोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, कोर वन का क्रोस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, संगत कोर कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे मैंने आपको बताया था कि जिस कोर को आप पहली बार लेंगे, जैसे इस कोर को आप पहली बार ले रहे हैं, ये आपका पहला कोर हो गया, तो इसके अगला कोर को आपको छोड़ देना है, इसके अगला कोर को आपको छोड़ देना है, उसके अगला कोण को आपको ले लेना है। तो उसका अगला कोण क्या है, थ्री है, तो यानी कोण वन किसके बराबर होगा, कोण थ्री के बराबर होगा। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, कि कोण टू का संगत कोण कौन सा होगा, कोण टू का संगत कोण कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, कोण फोर। कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कोण आप पहली बार लेंगे, जैसे आप कोण फोर टू पहली बार ले रहे हैं, इसका अगला कोर कौन सा है, इसका अगला कोर थ्री को नहीं लेना है, उसके अगला कोर को आपको लेना है। मतलब कोर टू का संगत कोर कौन सा है, कोर फोर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब कौन सा सही है, कोर टू का संगत कोर हो गया फोर। इसका मतलब ये हुआ, कि एम समांतर एन है तो उससे बने संगत कोर जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो इनसे बनने वाले संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये जो प्रश्न है संगत कोण पे आधारित प्रश्न है। तो जैसे कि मैंने आपको गुण बताया है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। चलिए सभी बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे, क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, अगर मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है तो वाई टाइप करेंगे, हो सकता है कि बहुत बच्चों के तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तो आप क्या कीजिए, आप अपना कॉल जो है एंड कर दीजिए और फिर से रीज्वाइन हो जाइए। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे फिर से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, कहां आंसर करेंगे, सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे।
सभी सभी बच्चे का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सारे सारे बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करेंगे हम, फिर उल्टी गिनती स्टार्ट किया जाएगा। चलिए एक बार मैं आपको फिर से हिंट देता हूँ, आपको हिंट देता हूँ। देखिए आपको क्या बोला, आपको बोला देखिए ए बी समांतर दिया है डी के, तो इनसे जो बने संगत कोण होंगे, जैसे इसका संगत कोण मैं कर लेता हूँ, चलिए इनसे बने क्या करता हूँ संगत कोण, इनसे बने जो संगत कोण होंगे उसी प्रकार से बी सी समांतर है ई एफ के, तो इससे बने भी जो संगत कोण है, इससे बने भी जो संगत कोण है ये भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो इतना हिंट आपको काफी होगा, इतना हिंट आपको काफी होगा इस प्रॉब्लम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न क्या है एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर डी है और बी बी सी समांतर ई एफ है। ठीक है सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कहाँ आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो जहां तक मैं देख पा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पा रहे हैं वे बच्चे क्या करेंगे कॉपी पे लिख लेंगे अपना आंसर, वो बच्चे क्या करेंगे कॉपी पे अपना आंसर लिख लेंगे, वो बच्चे क्या करेंगे अपना कॉपी पे आंसर लिख लेंगे। जो बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर पा रहे हैं बच्चे जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया है। ठीक है चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी क्या दिया, देखिए ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका क्या है ए बी, ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका डी, मतलब ए बी समांतर क्या हो गया, ए बी समांतर हो गया डी, ए बी समांतर क्या हो गया डी। इसका मतलब ये हुआ कि इनसे बने जो संगत कोण, मतलब इसका देखिए इसका जो तिर्यक रेखा कौन सा होगा, इसका तिर्यक रेखा होगा, इसका तिर्यक रेखा होगा बी सी, इसका तिर्यक रेखा कौन सा होगा बी सी। हाँ जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं समझ में आ रहा है वे बच्चे क्या करेंगे क्लास के बाद मुझसे अपना पोल सेक्शन पूछ लेंगे। ठीक है अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न का उत्तर आपको अपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है चलिए तो आप जहां तक देख पा रहे हैं ए बी समांतर डी दिया है और इसका तिर्यक रेखा कौन सा है बी सी, तो इनसे बने संगत कोण क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ पे संगत कोण कौन होगा, देखिए ये हो गया 70, इसके अगला वाला कोण को, इस कोण को हम लोग छोड़ देंगे, उसके अगला वाला कोण को ले लेंगे, यानी 70 डिग्री किसके बराबर होगा, 70 डिग्री बराबर होगा आपका वाई के, 70 डिग्री किसके बराबर होगा वाई के। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में किसका मान पूछ रहा है, क्वेश्चन में मान पूछ रहा है एक्स के, मतलब हमको इसका मान पूछ रहा है। ठीक है चलिए हम लोग अब उसका भी मान निकाल लेते हैं, जैसे कि हमको पता चल गया कि वाई के मान कितना है, वाई के मान है 70 डिग्री, कितना मान है वाई का 70 डिग्री। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और दिया है बी सी समांतर दिया ई एफ के, तो देखिए बी सी कौन सा है, ये आपका बी सी, ये क्या आपका बी सी, ये क्या आपका बी सी और एक है ई एफ, ये हो गया आपका ई एफ, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका समांतर है और इनको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है ई डी, इनको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है ई डी, तो इसके लिए तिर्यक रेखा कौन सी है, इसके लिए तिर्यक रेखा है ई डी। तो इस प्रकार इनसे बने जो संगत कोण होंगे क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखते हैं एक कोण ये हो गया, तो इसके अगला कोण को मतलब इस कोण को हम लोग छोड़ देंगे, उसके अगला कोण को ले लेंगे, इसका मतलब कि एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री, किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन आपका सही होगा सी ऑप्शन, 99% बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था। ठीक है अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में संगत को पढ़ाया था और उसका गुण पढ़ाया था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है और पिछले क्लास में मैंने यही पढ़ाया था आपको तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ठीक है लेकिन इनके गुण नहीं बताया था आपको, लेकिन इनके गुण नहीं बताया था आपको। तो चलिए हम लोग फिर से आज पढ़ लेते हैं तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण और उसके गुण, उसके गुण। चलिए तो सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन कौन से होते हैं। ठीक है चलिए
क्या करता हूँ आपके लिए एक तिर्यक रेखा वाला डायग्राम बना देता हूँ। चलिए एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया, चलिए एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया। इसको कोई एक तिर्यक रेखा जैसे मान लेते हैं, ये तिर्यक रेखा कौन सी है, पी, इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि इसको मैं बोलता हूँ दाई तरफ, क्या बोलता हूँ इसको, दाई तरफ, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ कोर वन, इसको मैं बोलता हूँ कोर टू, और इसको मैं बोलता हूँ कोर थ्री, और इसको मैं बोलता हूँ कोर फोर। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाई तरफ कौन कौन से कोर हैं, तिर्यक रेखा के दाई तरफ कौन कौन से कोर है। बहुत बढ़िया, तिर्यक रेखा दाई तरफ कौन कौन से कोर है, वन टू थ्री फोर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे बच्चों को मेरा अगला प्रश्न पता होगा, सारे बच्चों को मेरा अगला प्रश्न पता होगा, बहुत बढ़िया। चलिए इसके अगला प्रश्न है कि इनके अंतः कोर कौन कौन से है, तिर्यक रेखा के दाई तरफ के अंतः कोर कौन कौन से है, थ्री और टू। देखिए तिर्यक रेखा के ये दाई तरफ कौन कौन से है, ये तिर्यक रेखा के दाई तरफ है अंतः कोर, दो और तीन, दो और तीन, ये तिर्यक रेखा के दाई तरफ के कोर है। चलिए इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इधर भी नामकरण करते हैं, फाइव छः, इसको बोलते हैं सेवन, इसको बोलते हैं एट। कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, सभी बच्चे अपना माइक ऑफ रखेंगे। चलिए इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, ये मान लेते हैं आपकी बाई है, ये आपकी क्या है, बाई है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाई तरफ कौन कौन से कोण है, तिर्यक रेखा के बाई तरफ कौन कौन से कोण है। बहुत बढ़िया, फाइव सिक्स सेवन और एट। अब सभी बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाई तरफ कौन कौन से अंतः कोर है, कौन कौन से अंतः कोर है। बहुत अरे बढ़िया, कौन कौन से अंतः कोर है। कोई बच्चा जो है अपना माइक ऑन नहीं करेगा, जैसे कि मैंने सभी बच्चों को बोल रखा है कि कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, क्योंकि एक भी बच्चा माइक ऑन करता है तो सारी क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। चलिए ये हो गया आपका अंतः कोर, ये क्या हो गया, सिक्स और सेवन क्या हो जाएगा आपका अंतः कोर। अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है अंतः कोर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोर, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि आपको जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं समझ पाए थे वो बच्चे आज समझ गए होंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रॉपर्टीज, इसका गुण पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, इसके अंतः कोण का गुण पढ़ लेते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल का गुण पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही सरल है, जो कि बहुत ही सरल है। सभी बच्चे एक मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देंगे, एक मिनट के लिए सभी बच्चों को क्या करना है, स्क्रीन पे ध्यान देना है। कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे सारे बच्चे जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे, सारे सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, स्क्रीन पे ध्यान देंगे, देंगे। चलिए क्या बोला है यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है यदि दो समांतर रेखा, चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो समांतर रेखा बनाते हैं। चलिए एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, दो समांतर रेखा हो गया, ये दो समांतर रेखा हो, चलिए एम और एन, ये दो समांतर रेखा हो गया, एन और एन क्या हो गया, दो समांतर रेखा हो गया। और इसको देखिए क्या बोल रहा है, तिर्यक रेखा काटती है, चलिए तिर्यक रेखा ही बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया आपकी तिर्यक रेखा, ये क्या हो गया आपकी तिर्यक रेखा काटती है। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नामकरण कर देता हूँ, चलिए हो गया कोण वन, इसको मैं मान लेता हूँ कोण टू, इसको मैं मान लेता हूँ कोण थ्री और इसको मैं मान लेता हूँ कोण फोर। तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो कौन कौन से अंतः कोण है इसके सभी बच्चे बताएंगे, कौन कौन से अंतः कोण है सभी बच्चे बताएंगे, अंतः कोण कौन कौन से है, कोण टू और कोण थ्री, कौन कौन से अंतः कोण है, कोण टू और कोण थ्री, कौन कौन से कोण है, कोण टू और कोण थ्री। चलिए अब क्या दिया, अंतः कोरों के युग्म संपूरक होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे, एवरीवन, सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि संपूरक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोर क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संपूरक कोर होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसे क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन सा अंतः कोण है, यहाँ पे अंतः कोण है कोण टू और कोण थ्री।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। मतलब 180 डिग्री बोलिए या आप क्या बोल दीजिए, संपूरक बोल दीजिए। आप 180 डिग्री बोलिए या आप संपूरक बोल दीजिए, दोनों बात बराबर है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। इसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, इसी प्रकार सारे सारे बच्चे बताएंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये कोण, इसको मान लेते हैं कोण 5, मान लेते हैं इसको कोण 5, इसको कोण 6, इसको हम लोग कोण 7 और इसको हम लोग कोण 8 मान लेते हैं। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के, चलिए इसको मैं बोलता हूँ बाई तरफ, क्या बोलता हूँ बाई तरफ, कौन कौन से अंतः कोण है, कौन कौन से अंतः कोण है। बहुत बढ़िया, कौन कौन से अंतः कोण है, कोण 6 और कोण 7, कोण 6 और कोण 7। अब सारे सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 6 और कोण 7 का योग कितने के बराबर होगा, कितना डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये संपूरक होगा। ये क्या होगा, संपूरक होगा। ये तभी होगा, ये तभी होगा जब एम और एन क्या होगा, समांतर होगा। ये तभी होगा जब एम और एन जो है समांतर होगा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ठीक है, अब सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी बच्चे, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से सभी के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे, क्या हम लोग सिर्फ अंतः कोण को जोड़ते हैं तभी 180 डिग्री आता है, क्या हम लोग सिर्फ अंतः कोण को जोड़ते हैं तभी 180 डिग्री आता है। नहीं, अगर आप जैसे आपको अगर लग रहा होगा कि हम लोग अंतः कोण को ही जोड़ते हैं तभी 180 डिग्री आता है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करने से क्या होता है, सारे बच्चे डिस्टर्ब। चलिए मैं आपका साउंड ऑफ कर देता हूँ ताकि आप लोग, कोई बच्चा माइक ही ऑन नहीं कर पाया। ठीक है, कोई नहीं, चलिए ओके। हाँ, चलिए, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, क्या हम लोग सिर्फ अंतः कोण का ही मान, अंतः कोण का ही मान सिर्फ 180 डिग्री बराबर होता है? नहीं, आपकी बाह्य कोण के भी मान कितने के बराबर होते हैं, 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यहाँ बाह्य कोण कौन है, यहाँ पे बाह्य कोण जो है कोण 1 प्लस कोण 6 भी कितने के बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से बाह्य कोण हैं, कौन कौन से बाह्य कोण हैं, कौन कौन से बाह्य कोण हैं, तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से बाह्य कोण हैं, कोण 4 और कोण 7, इनका भी मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि अंतः कोण का हो गया 180 डिग्री, उसी तरह ये हो गया बाह्य कोण का मान 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सभी बच्चे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। सही बच्चे करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। सही बच्चे क्या करेंगे, पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, पहले ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सही बच्चे ध्यान देंगे, प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र में L1 समांतर किसके है, L2 के। तो सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही बच्चे कहां से करेंगे, सभी सही बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। सही बच्चे कहां से करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी सही बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर कर दिया और आंसर सही किया है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे आंसर, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या है, L1 समांतर L2 है तो इनसे बने अंतः कोण का सम कितना होता है, अंतः कोण का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो सारे के सारे बच्चे करेंगे, सारे के सारे बच्चे कहाँ जाकर आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे जो है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको हिंट देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है L1 समांतर है L2 के, L1 कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, तो इनसे बने अंतः कोर का योग, अंतः कोर का योग, अंतः कोर का योग। जैसे कि मान लीजिए अंतः कोर कौन सा, अंदर वाले, तो इसका अंतः कोर कौन है, कोर 3 और कोर 6। उसी प्रकार इसका अंतः कोर कौन सा है, कोर 4 और कोर 5। इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कहाँ करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से आंसर करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, चलिए हाँ ठीक है ठीक है। बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही किया, बहुत बच्चों ने आंसर जो है सही किया है, और कुछ कुछ बच्चे हैं जो उन्होंने आंसर गलत किया है। ठीक है चलिए 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 ठीक है, देखते हैं हम लोग। चलिए सही बच्चे ध्यान देंगे, सही बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका अंतः कोण कौन कौन सा है, इनका अंतः कोण है कोण 3 और कोण 6, यानी कोण 3 प्लस कोण 6 का मान कितना होगा, कोण 3 प्लस कोण 6 का मान होगा 180 डिग्री। उसी प्रकार से कोण 4 और कोण 5 का मान कितना होगा, कोण 4 और कोण 5 का मान होगा 180 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है आपके अंतः कोण है, दोनों के दोनों क्या है आपके अंतः कोर है, दोनों के दोनों क्या है आपके अंतः कोर है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन कोर 1 और कोर 3, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया, कोर 3 प्लस कोर 6 है, यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं कोर 4 प्लस कोर 6, यहाँ पे क्या दिया, कोर 4 तो दिया है लेकिन कोर 5 के साथ 180 डिग्री, तो यानी ये भी ऑप्शन जो है गलत हो गया। उसी प्रकार से देखते हैं सी ऑप्शन, ये दिया है कोर 4 प्लस कोर 5 को मैंने कितना दिया, 180 डिग्री, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न होगा, आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे से बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, संगत कोर से संबंधित प्रश्न है, संगत कोर से संबंधित प्रश्न है। मैं क्या करता हूँ आपको एक हिंट देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है पी रेखा क्यू रेखा के क्या है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग क्या कीजिए, अभी मैं जो बता रहा हूँ पिछली क्लास को ही मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पिछली क्लास से संबंधित मैं आपका प्रश्न करा रहा हूँ, ठीक है, उसी से संबंधित है। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस मैंने नहीं पढ़ा है, पिछली क्लास से ही संबंधित मैंने पढ़ा है। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है दिए गए चित्र में यदि पी समांतर क्यू है तो डी का मान ज्ञात करें, मतलब पी समांतर जो है क्यू के है तो डी का मान ज्ञात करना है, यानी हमको पता है कि जब दो रेखाएं जैसे पी रेखा और क्यू रेखा क्या है समांतर है, तो इनसे बने संगत कोण हो जाए, इनसे बने संगत कोण हो जाए, या आपके एकांतर कोण हो जाए, या आपके एकांतर कोण हो जाए, सबके सब क्या होते हैं बराबर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो आपको किसका मान निकालना है, आपको दिया देखिए 125 डिग्री, आपको किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। तो सारे सर बच्चे चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेंगे, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, सभी के सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे तरह बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने पोल सेक्शन में आंसर किया है, सारे तरह बच्चे जल्दी जल्दी पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चलिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, मतलब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, मैं आप उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। बहुत बहुत बच्चे आंसर कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है, चले चले, ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ये है, एक समांतर रेखा ये है, तो इनसे बने जो संगत कोण होते हैं, देखिए यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी हो जाएगी, तिर्यक रेखा आर हो जाएगी, ये बीच वाली क्या हो जाएगी आपकी, तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण, उसी में होते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये आपका पहला कोण है, तो इसके अगला कोण कौन सा है, इसको आप कट कर दीजिए, इसके अगला कोर को नहीं लेंगे, उसके अगला कोर को लेंगे। उसका अगला कोर कौन सा है, उसके अगला कोर है डी, यानी डी किसके बराबर है, यानी डी आपके बराबर है 125 डिग्री के, किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोई भी कोण ले, जैसे मान लीजिए आप कोण इसको ले रहे हैं, तो इसके अगला कोण को छोड़ देना है आपको, उसके अगला कोण को आपको लेना है, यानी डी के मान कितना हो जाएगा, डी के मान हो जाएगा 125 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी जो है आपका सही उत्तर है। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, सभी बच्चों को अगर यहां तक समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, आ गया सभी बच्चों को समझ में। चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ जी, यहाँ पे क्या करता हूँ जी कर देता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ डी की जगह करता हूँ 125 डिग्री, क्या करता हूँ 125 डिग्री। तो सारे सारे बच्चे आंसर किसका बताएंगे, सारे सारे बच्चे आंसर बताएंगे जी का, सारे बच्चे आंसर किसका बताएंगे, जी का बताएंगे, जी के मान कितना होगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे जी के मान कितना होगा, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे सारे बच्चे, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। 125 डिग्री, ठीक है, जो बच्चे 125 डिग्री आंसर कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि 125 डिग्री क्यों होगा, जितने बच्चे 125 डिग्री आंसर कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि 125 डिग्री क्यों होगा, जितने बच्चे 125 डिग्री आंसर कर रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि 125 डिग्री क्यों होगा, 125 डिग्री क्यों होगा, सारे सारे बच्चे बताएंगे 125 डिग्री क्यों होगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो एक ही तरफ होता है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होता है ना, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा, संगत को नहीं होगा। ठीक है, बताइए सही आंसर, बताइए सारे बच्चे सही आंसर बताएंगे। देखिए कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के कोण होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कोण तो तिर्यक रेखा के इस तरफ है, तो दूसरा रेखा तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ है। तो मैंने बताया था कि जो आपका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल होता है वो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ के कोण होते हैं, और वो तिरछा तिरछे होते हैं, ऐसे क्रॉस होते हैं, यानी 125 डिग्री किसके बराबर होगा, 125 डिग्री आपके जी के बराबर होगा, यानी जी के मान कितना होगा, जी के मान होगा 125 डिग्री, जी के मान कितना होगा 125 डिग्री। और सारे बच्चों को यह समझ में आ गया कि जी के मान 125 डिग्री कैसे आया, तो एकांतर कोण से बोल सकते हैं क्रॉस, कहाँ क्रॉस रखते हैं, हाँ क्रॉस, ऐसे एकांतर को मैंने कैसे बताया था, एकांतर को बताया था ना, ऐसे क्रॉस रखते हैं, तिरछा तिरछी, तिरछा सीधी बताया था मैंने आपको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए और सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से बच्चे टाइप करेंगे, वाई टाइप करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, ये आपका अंतिम प्रश्न है, ये आपका अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में देना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे आंसर। इसमें कोण एफ का मान निकालना है, तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, उसको नजर में रख के, उसको अपने दिमाग में रख के इसको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, एक सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे सारे बच्चे, सब बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है आंसर पोल सेक्शन में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे पोल सेक्शन जाकर। चलिए
हाँ, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं पता है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं पता है, वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे, मैं उनको पोल सेक्शन बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको कॉपी पे इसका आंसर लिख लेना है, कॉपी पे इसका आंसर लिख लेना है। जब मैं आपको मैच कराऊं, जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, उसमें मैच कर लेना है कि आपका आंसर जो है सही है या गलत है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आपको कोण एफ का मान निकालना है। तो जैसे कि हमको पता है एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। उसमें एक कोण कितना दिया, एक कोण दे दिया आपको 125 डिग्री। एक कोण कितना दिया, एक कोण दे दिया आपको 125 डिग्री। कितना दिया है, 125 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कोण कितना दिया, दूसरा कोण दे दिया आपको एफ डिग्री, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके एक सीधी रेखा है, इस पे एक कोण दिया 125, दूसरा कोण क्या दिया एफ। तो एफ का मान निकालना है। तो जैसे कि हमको पता है कि एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर हमको एफ का मान निकालना हो तो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, कितना आ जाएगा। सभी बच्चे आंसर देंगे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 2 गया 5, मतलब कितना आएगा 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आ गया सारे बच्चों को समझ में। चलिए, तो जो हम लोगों ने होमवर्क बाकी रखा था उसको हम लोग जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इसी पे आधारित था, जो कि इसी पे आधारित था। सभी बच्चे ध्यान देंगे होमवर्क पे, जो हम लोगों ने होमवर्क बकाया रखा था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जो इस पे आधार था। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे। पहला प्रश्न 11.2 का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर डाउट है तो वाई टाइप करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही सरल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि जो ये कोण 1 है, कोण 3 है, कोण 2 है, कोण 4 है, ये कैसे कोण है। तो जैसे कि मान लीजिए सबके सब कोण क्या है, अंदर की तरफ है, सबके सब कोण क्या है, अंदर की तरफ है, तो ये कैसे कोण होंगे, ये आपके अंतः कोण है। कैसे कोण हो गए, ये आपके अंतः कोण हो गए, ये आपके अंतः कोण हो गए, ये आपके अंतः कोण हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए, ये सारे सारे कोर कैसे हैं, ये सारे सारे कोर जो है आपके बाहर की तरफ है। कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, यानी ये किस प्रकार के कोर हो गए, ये आपके बाह्य कोर हो गए। ये आपके किसे कोर हो गए, ये आपके बाह्य कोर हो गए, ये आपके कैसे कोर हो गए, बाह्य कोर। क्योंकि देखिए सारे सारे कोर क्या है, देखिए सारे सारे कोर क्या है, बाहर की तरफ है। हाँ, एक्सटेरियर एंगल हो गए, ये सारे सारे कैसे एंगल हो गए, एक्सटेरियर एंगल हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 में एक एक करके देखते हैं, एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए है अंतः कोर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। इन पांचों ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में आपको डाउट है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। इन पांचों ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में डाउट है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। हाँ, एकांतर कोर के एक। चलिए ठीक है, मैं एक एक करके सभी को डिस्कस करता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए, ध्यान देंगे सब बच्चे। हाँ, ध्यान देंगे। सबसे पहले अंतः कोर बोला था, तो अंतः कोर कौन से होते हैं, ये जो अंदर वाले कोण होते हैं, ये सारे सारे क्या होते हैं, ये सारे सारे हो जाएगा अंतः कोर। ओके, सब क्या होंगे, सबके सब हो जाएंगे अंतः कोर। उसी प्रकार से ये जो बाहर वाले हैं 1, 3 और 6, 8 क्या है, ये सबके सब क्या हो जाएंगे, बाह्य कोर। ये तो हो गया अंतः कोर, बाह्य कोर, ये तो हो गया आपके अंतः कोर और बाह्य कोर। चलिए, इसके बाद आता है आपका एकांतर कोण के युग्म, एकांतर अंतः एकांतर कोण के युग्म, ठीक है। तो सारे सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा है। एकांतर होता है ऐसे क्रॉस वाला, ऐसे तिरछा तिरछी वाला, कौन सा होगा कोण 2 का एकांतर कोण, कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 2 का एकांतर कोण कौन सा होगा, कोण 7, कौन सा होगा कोण 7, क्योंकि इसके तिरछा कौन सा है, इसका तिरछा ये वाला है, कोण 7 वाला। उसी प्रकार से कोण 4 का तिरछा कौन सा है, कोण 4 का एकांतर कोण 4 का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, कोण 4 का अल्टरनेट होगा कोण 5, कोण 4 का अल्टरनेट होगा कोण 5।
कोण फोर का अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, कोण फाइव। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि ये आपके एकांतर कोण के युग्म हो गए जो कि यहाँ बोला है। तो कोण टू का किसका हो जाएगा, बोल देंगे कोण सात के बराबर, कोण फोर का किसके हो जाएगा, कोण फाइव के बराबर। ठीक है, सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो ये था आपका प्रश्न वाली 11.2। अच्छा ये भी बता दूं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण। चलिए ये भी तो सभी बच्चों को पता होगा, ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के बने अंतःकोण। चलिए मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका तिर्यक रेखा कौन सा है, इसका तिर्यक रेखा ये वाला है। तो इसके एक ही तरफ बने अंतःकोण कौन से है, ये वाला है। अंतःकोण कौन है, ये टू और फाइव, एक हो गया आपका टू और फाइव। और दूसरा कौन सा है जो इसके बाई तरफ है, तो इसके तरफ कौन अंतःकोण है, इसके तरफ अंतःकोण है कोण फोर और कोण सेवन। कौन कौन सा है, कोण फोर और कोण सेवन। अब समझ में आ गया सभी बच्चे को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो जब सभी बच्चों को समझ में आ गया तो आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए, सभी बच्चे जल्दी जल्दी होमवर्क नोट डाउन करेंगे। होमवर्क है आपका प्रश्न वाले 12.1, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सभी बच्चे करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे।